गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 के मैथ्स का एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आज इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म्स ए एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोस। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई ए हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे गिवन है, हमें फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना है। ठीक, इसको आप कैसे करोगे सॉल्यूशन। ठीक, फर्स्ट टर्म, टर्म्स को मैं टी से डिनोट कर रहा हूं, टी वन या ए मान लो इक्वल टू हमारे पास है 10 गिवन है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना है, टी वन टी टू टी थ्री टी फोर तक निकालना है। ठीक, टी वन टी टू के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको ए वन मान लो, इसको ए ही मान लो, टी टू के लिए हम क्या करते हैं ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 10 है, इसका कितना आएंगे ए का वैल्यू 10 प्लस 10 कितना हुआ 20। टी टू के लिए एज इट इज, टी थ्री के लिए सॉरी ए प्लस 2D। ठीक, 2D कैसे आया यहाँ पे देख लीजिए, 10 आए हमारे पास, इसके बाद 20 आए, इसके बाद हमें तीसरा निकालना है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 1D, यहाँ पे इसके बाद 20 से आगे जाने के लिए दूसरा और एक T चाहिए, D1D2 D1D प्लस 1D इक्वल टू कितना होगा 2D। ठीक, ये हो गया 2D, 10 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 10 कितना आया 20 प्लस 10 30 T4 के लिए, T4 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा A प्लस 3D इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 40 आया। ये हमारा क्या है T1, T2, T3, T4 का वैल्यू आया। ठीक, हैंस आप इसको, अच्छा इसके बाद और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, क्या कहे हुए थे, फर्स्ट टर्म्स दिए गए, कॉमन डिफरेंस दिए गए, हमें फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना है, ये हो गया इसका वैल्यू। हैंस द फर्स्ट फोर टर्म्स आर कितने आए 10, 20, 30, 40 ये वैल्यू आ गए। ठीक, अब इसके बाद ये मैंने करवा दिया फर्स्ट पार्ट, सेकंड एज ए होमवर्क करो, ये थर्ड में करवा देता हूँ, और यहाँ पे थर्ड फोर्थ अपने से करना है। ठीक, थर्ड भी एज इट इज ऐसे ही करना है, थर्ड में हमें गिवन है हियर T1 इक्वल टू A इक्वल टू कितने दिए गए -1, हमें T2 निकालना है A प्लस डी कर दो आप, A -1 प्लस 1/2 कर दो इक्वल टू 2 जा, या तो इसका एलसीएम ले लो डायरेक्ट 2। ठीक, -2 प्लस 1 इसका वैल्यू क्या है -1 आ गए, T3 इक्वल टू A प्लस 2D कर दो, A प्लस 2D ये हमारे पास कितने हैं -1 प्लस 2 × 1/2 कर दो, ये कैंसिल आउट हो गया, -1 बचा प्लस 1 बचा इक्वल टू कितना यार 0। T4 के लिए आप ऐसे कर दो A प्लस 3D कर दो, ठीक -1 प्लस 3 × 1/2 कर दो, कितने आए -1 आया प्लस 3/2 आए, 2 × 2 − 2 + 3/2 इक्वल टू 1/2 आए। ठीक, ये हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म्स आ गए, हेंस -1 0 -1
माइनस वन, यहाँ पे भी ये भी माइनस वन आए, माइनस वन माइनस वन जीरो वन बाय टू आए, ठीक। ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आ गए माइनस वन। यहाँ पे थोड़ा गलती की है मैंने, और यहाँ पे देख लो प्लस माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाई टू आएंगे, माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, हेंस माइनस वन वन बाई टू जीरो वन टू आर द फर्स्ट फोर टर्म्स, फर्स्ट फोर टर्म्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड पे कर, थर्ड पे जाना है। ये एज इट इज सेकंड और फोर्थ पार्ट, आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए। फॉर द फॉलोइंग राइट द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, हमें तो पहले इसमें फर्स्ट टर्म्स लिखना है और कॉमन डिफरेंस इनका क्या आएगा वो लिखना है, ठीक। अब यहां पे देख लीजिए, हमारे पास गिवन है, क्या क्या गिवन है, गिवन गिवन हमारे पास थ्री है, टी टू हमारे पास वन है, टी थ्री माइनस वन है, टी फोर इक्वल टू माइनस थ्री है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस हम जी से डिनोट करते हैं, जी जी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए टू माइनस ए वन, ठीक। या तो यहां पे ए लिख दो, ठीक, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए ए टू माइनस ए वन इक्वल टू वन माइनस थ्री इक्वल टू माइनस टू आ गए। आप उसके लिए ए थ्री माइनस ए टू कर दीजिए, माइनस वन प्लस यहाँ पे वन है, प्लस माइनस 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 वन, ठीक। माइनस माइनस प्लस, साइन किसका रहेगा, माइनस का, ए फोर माइनस ए थ्री कर दीजिए, ए फोर का वैल्यू माइनस थ्री, ए फोर का वैल्यू माइनस थ्री। इसके आप हम क्या करते थे, ए थ्री माइनस खुद का माइनस का साइन और माइनस वन है, ठीक, माइनस थ्री आ गए, माइनस माइनस प्लस वन आ गए, प्लस माइनस माइनस फिर से माइनस टू आ रहे। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सारों का क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। हियर हमें क्या निकालने के लिए बोला है, फर्स्ट टर्म जी वन इक्वल टू कितने आए थे, थ्री, और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस जी इक्वल टू हमारे पास आए माइनस टू। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला पार्ट मैंने करवा दिया, अब इसमें से कौन सा प्रॉब्लम आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड पार्ट मैं करवा देता हूं, ठीक। अच्छा ये हो गया आपका पहला पार्ट। इसके बाद आप लोगों का मैं थर्ड पार्ट करवा देता हूं, ठीक। गिवन हमारे पास क्या है, वन बाय थ्री, फाइव बाय थ्री, नाइन बाय थ्री, थर्टीन बाय थ्री, ठीक। अब हमें इसमें क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म टी वन तो हमारे पास वन बाय थ्री है, ठीक। अब हम कॉमन डिफरेंस, पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस डी से जीरो करते हैं, ठीक। अब इसके बाद ये मैं मान लेता हूं टी वन टी टू टी थ्री टी फोर, कॉमन डिफरेंस करने के लिए हम टी टू माइनस टी वन करते हैं, टी टू माइनस टी वन, फाइव बाय थ्री माइनस वन बाय थ्री कर दीजिए, थ्री एलसीएम आया कितना हुआ फोर, ठीक। टी थ्री माइनस टी टू कर दीजिए, नाइन बाय थ्री आए, माइनस फाइव बाय थ्री आए,
थ्री एज एलसीएम, नाइन माइनस फाइव कर दीजिए, कितना आया फोर बाई ए बी थ्री आ गए। ठीक, अब इसके बाद टी फोर माइनस टी थ्री कर दीजिए आप, कितने आए थर्टीन बाई थ्री माइनस नाइन बाई थ्री आए, नाइन सॉरी थर्टीन माइनस नाइन बाई थ्री आए, थ्री एज इट इज एल सी एम, नाइन माइनस थर्टीन माइनस नाइन फोर बाई थ्री। अब हमारा यहां पे फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, टी वन फर्स्ट टर्म आ रहा है हमारे पास वन बाई थ्री आ रहे, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितने आ रहे, जी इक्वल टू फोर बाई थ्री आ रहे। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पॉइंट। आज के लिए इतना, और बाकी आप लोगों को एक चीज बोलना था, आप लोग अपना कॉपी फेयर कॉपी हमें सेंड करेंगे चेक करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा वो चेक करने के लिए सेंड कर देंगे। ठीक, आज के लिए इतना, थैंक यू, हैव